चंद्रयान 3 का जो सफल लैंडिंग हुआ था, हूबहू उसका कहीं ना कहीं रूप को दे दिया गया है यहाँ पर, जो इनके बनाने पर की कृपा से भी हम ये इस महारत को हासिल किए हैं, ये लक्ष्य को प्राप्त किए हैं, तो क्यों नहीं हम माता के चरणों में समर्पित ये चंद्रयान का ही इस, अभी चूंकि ये करंट मसला था, हम लोगों ने तय किया कि चंद्रयान 3 का ढांचा बना ये माँ दुर्गा की मंदिर दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग बहुत बहुत अररिया जिले ने पहला इतिहास बनाया है और अररिया जिला का कुर्सा कांटा भी पहला इतिहास बनाया है। आप बाहर आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं देशभक्ति दिखेगी और देशभक्ति झलकेगा। जब आप मंदिर के अंदर जाएंगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं आपको भक्ति दिखेगा। शारदीय नवरात्र का ये समय चल रहा है दोस्तों, और आपको बता दूं शारदीय नवरात्र में जो भक्त हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से भक्ति में रंग जाते हैं। कुछ समय पहले 23 अगस्त का वो दिन था जिस दिन भारत ने वो सफलता को अर्जित किया था, चंद्रयान 3 का जो सफल लैंडिंग हुआ था। उस वक्त मैं कुर्सा कांटा में हूँ और चंद्रयान 3 का जो सफल लैंडिंग हुआ था, हूबहू उसका कहीं ना कहीं रूप को दे दिया गया है यहाँ पर। जो इनके बनाने वाले हैं, जो आयोजक करता है, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर देश ने बहुत सारी सफलताओं को अर्जित किया, क्यों चंद्रयान 3 का ही क्यों दृश्य यहाँ पर दिखाया जा रहा है और इसका स्टैचू और इसका ढांचा ही क्यों बनाया गया। आयोजक हैं, उनसे बात करते हैं। आइए थोड़ा सा इधर। अच्छा सर, दुर्गा पूजा का सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, मेरे तरफ से शुभकामनाएं। ये चंद्रयान 3 ही आप लोगों ने क्यों चुना? सबसे पहले तो मैं जगत जननी माँ जगदम्बे के चरणों में अपना नमन करता हूँ। माता दुर्गा सभी को, मुझे, आपको और सबों को खुशहाल रखे, सुख संपन्न रखे, समृद्धि दे। और यहाँ के दुर्गा पूजा समिति जो है कुर्सा कांटा, उसको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना बढ़िया आयोजन दुर्गा पूजा समिति कुर्सा कांटा ने किया है, इतना सफल आयोजन। और जहाँ तक पंडाल बनने की बात है और चंद्रयान 3 की बात है, तो जो काम आज पूरे विश्व में कई देशों ने सफलतापूर्वक नहीं कर पाया, वो काम हमारे भारत देश ने किया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सफलता भारत ने अर्जित की है, वो मतलब बहुत ही प्रशंसनीय है, जिसका कि कोई भी विकल्प नहीं है। दूसरा देश सोचता रह गया कि मैं चांद पे जाऊं, चांद का खोज करूं, वहां पे क्या क्या है उसके बारे में पता करूं, तो लोग दूसरा देश सोचता ही रह गया, और हमारे भारत ने वो कारनामा कर दिखाया जो विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्ति ने नहीं किया था। तो अभी चूंकि करेंट मसला है ये, और विगत कुछ महीनों पहले ये घटना घटी है, तो हम लोगों ने ये तय किया क्यों नहीं इसको माँ का जो कृपा है, और कहीं ना कहीं पूरे देश में जो ईश्वर होते हैं, गॉड होते हैं, उनकी भी कृपा होती है सबों पे, तो ईश्वर की कृपा से भी हम ये इस महारत को हासिल किए हैं, ये लक्ष्य को प्राप्त किए हैं, तो क्यों नहीं हम माता के चरणों में समर्पित ये चंद्रयान का ही इस, अभी चूंकि ये करंट मसला था, हम लोगों ने तय किया कि इसी को यहाँ प्रदर्शित किया जाए। आपको बता दूं दोस्तों, कहीं ना कहीं चंद्रयान 3 का ढांचा बना ये माँ दुर्गा की मंदिर दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग बहुत बहुत दूर से इसको देखने के लिए आते हैं, और सबसे बड़ी उपलब्धि जिला अररिया के लिए यह है कि सबसे पहले जो है कुर्सा कांटा में जो है चंद्रयान 3 का जो है ये ढांचा को तैयार किया गया दुर्गा पूजा के अवसर पर, और अररिया जिले ने पहला इतिहास बनाया है और अररिया जिला का कुर्सा कांटा भी पहला इतिहास बनाया है ना, यही बात है सर? बिल्कुल, ये इतिहास है, और आने वाले समय में, अभी तो भारत चांद पे पहुंचा है, और माता का कृपा होगा तो हम सूरज पर भी पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। सर, इसमें तो कहीं ना कहीं विक्रम लैंडर नहीं दिख रहा है। विक्रम लैंडर नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा सा जल्दबाजी में क्या गया है, और कुछ न कुछ तो कमी रह गई है जी। लेकिन आने वाले समय में कोशिश करेंगे, जहाँ तक हुआ प्रयास किया गया है इसको एक सही रूप देने का, सही मूर्ति देने का। और होता है ना कि कुछ न कुछ कहीं ना कहीं खामी रह जाती है,
चूँकि यहाँ पे नए रूप से इसको दिया गया है और पहली बार बनाया गया है, इस वजह से थोड़ा सा कमी कुछ रहे। आप बाहर आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं देशभक्ति दिखेगी और देशभक्ति झलकेगा, जब आप मंदिर के अंदर जाएंगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं आपको भक्ति दिखेगा। सही कहा कि गलत कहा बताइए। एकदम सही कहे, इसलिए बाहर रहेंगे तो आपको देशभक्ति झलकेगा, अंदर जाएंगे तो माता जी का भक्ति दिखेगा। हाँ, इसलिए कि लोगों को बहुत कम लोगों की जानकारी थी चंद्रयान के बारे में, इसलिए एक चंद्रयान के बारे में लोगों को बताना भी एक उद्देश्य था। और भारत एक महाशक्ति है जो इस बात को विश्व के पटल पर साबित किया, इसीलिए इस चंद्रयान को यहाँ पर दिखलाया गया। और भक्ति तो पूरे देश में चल ही रहा है और माँ दुर्गा कृपा रहेगी, सबको सुख शांति समृद्धि और भारत एक महाशक्तिशाली देश पूरा विश्व में बनेगा। अच्छा सर, कहाँ कहाँ से आप लोग कलाकार मंगाए थे जो चंद्रयान का पूरा ढांचा बना के? ये लोकल कलाकार है, लोकल कलाकार। वाह वाह, ये कोई जी बाहर के कलाकार नहीं है दोस्तों, इसी कुर्साकांटा की धरती के जन्मे हुए कलाकार ने एक अद्भुत कलाकारी दिखा दिया। कलाकार, हाँ कलाकार भी हम लोग के साथ में है, इनसे भी कुछ स्टेटमेंट लीजिए। कलाकार है, आप ही ने जो है चंद्रयान 3 का ढांचा तैयार किया है चाचा जी। मन में कैसे आ गया कि चंद्रयान 3 का ढांचा जो है सेम टू सेम लग रहा है कि वही रॉकेट है चंद्रयान 3? यहाँ के लोगों ने कहा कि चंद्रयान का पंडाल बनाना है, मैंने सोचा ठीक है चंद्रयान का ही पंडाल बनाएंगे। इसमें यहाँ के ग्रामीण स्टाफ ही है और स्टाफ ही काम किया, चूँकि भारत में जो चंद्रयान लॉन्च हुआ विदेश से कोई वर्कर आया नहीं, मैंने सोचा ये बिहार में बना रहे हैं और अररिया जिला में बना रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के ग्रामीण स्टाफ के द्वारा ही बनाए। कितना खर्चा हुआ होगा इसको तैयार करने? ये तो अभी हम नहीं बता सकते हैं और ना ही कैलकुलेट किए हैं कि कितना हुआ है, फिर भी एक अंदाजा तो खर्चा हो जितना भी है। मेरे साथ एक मुस्लिम मुखिया जी हैं जो कि इसी कुर्साकांटा के कई बार मुखिया रहे हैं, मुश्ताक आलम जी, आप लोग इनसे परिचित होंगे। दुर्गा पूजा पंडाल में आकर के आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये बहुत खुशी की बात है और हर साल हम लोग यहाँ दुर्गा पूजा का, जब से नवरात्र शुरू होता है हम लोग हर दिन आते और जाते रहते हैं। कुर्साकांटा एक ऐसा जगह है जहाँ आज तक हिंदू या मुस्लिम का कोई फर्क नहीं समझा गया है। यहाँ जब भी त्यौहार होता है, मुस्लिम का त्यौहार में हिंदू लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हिंदू के त्यौहार में मुस्लिम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। यहाँ आपसी एकता हर वक्त बना हुआ रहता है। आज तक जितना भी घटना हिंदुस्तान में हुआ है, लेकिन कुर्साकांटा एक ऐसा जीता जागता सबूत है जो मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई 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 है और ये भाईचारा सब दिन बना हुआ रहेगा। ये हम लोग अपने और अपने बच्चे लोगों को भी ये सिखाते हैं कि सब तुम लोग भाई भाई हो, सबका खून एक है और सब एक हो। हूबहू कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा प्रतीत होता है कि ये चंद्रयान 3 का जो रॉकेट था वही है, आप देख सकते हैं। बाकी कहाँ आए हो? दुर्गा मंदिर। वो जानते हो क्या है? क्या है चंद्रयान 3? क्या है चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 चांद पे जाने वाला एक रॉकेट है जो 14 दिन के लिए गया था। अच्छा, वाह वाह, छोटा सा बच्चा है, इनका ज्ञान देखिए, ज्ञान से भरा हुआ कहीं ना कहीं ये बच्चा है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। लोगों को कहीं ना कहीं इससे सीखना चाहिए क्या? जी। क्या कहोगे इसके बारे में, चंद्रयान 3 के बारे में? चंद्रयान 3 बहुत ही अच्छा है। डरना नहीं, बोलो। ये चंद्रयान 3 चांद में गया था 14 दिन के लिए। तुम लोगों ने क्या सोचा कि उसी को जो है बना देना है ना, आकर्षण का केंद्र बन चुका है, लोग आते हैं देखते हैं। बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं, कहेंगे। हम सभी भारतवासी यही कहना चाहेंगे ये भक्ति के माध्यम से कि हमारा भारत और ऊंचाई पर जाए, विश्व गुरु की जो सपना है भारत का वह उपलब्धि हम लोगों को हासिल हो, यही कामना करते हैं यही भक्ति के माध्यम से माता के दरबार में। चलिए कुछ और लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। चंद्रयान 3 का सफल लैंड हुआ चंद्रमा पर, यहाँ उसको जो है बिल्कुल उसका ढांचा उतार दिया गया है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। देखिए, आप अभी हमारे अभिभावक से एक सवाल पूछ रहे थे, उनमें साइंस का भी जुटा हुआ था और धार्मिक का भी जुटा हुआ था। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप कभी हॉस्पिटल गए हो, बड़े हॉस्पिटल?
डॉक्टर के साथ में वहाँ पे एक प्रतिमा भी स्थापित रहती है, शंकर भगवान का हो चाहे गणेश भगवान का हो। आपको ये लगता है कि साइंस भी कहीं ना कहीं हमारे जो ये धर्म है, हमारे जो धर्मगुरु हैं, भगवान हैं, जिसको आप गॉड बोलते हैं, उनके नीचे है? क्योंकि अगर हॉस्पिटल में जब हम डॉक्टर को भगवान बोलते हैं और भगवान के जगह पे हमारे भगवान की प्रतिमा होती है, तो यही जस्ट इसी का ये सफल आयोजन जो आप बोले चंद्रयान के बारे में, तो 23 जुलाई को लैंड किया गया था चंद्रयान, अगस्त को, तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये नीचे हमारे माता, हमारे पृथ्वी, हमारे भगवान, और ऊपर चंद्रमा। तो आप देख रहे होंगे शंकर भगवान के ऊपर माथे पे भी चंद्रमा रहता है, तो उससे भी अटैच्ड है। तो इसलिए हम लोग यही भाव देख करके आज दुर्गा नवरात्रि के दिन, नवमी के दिन ये चीज़ आपको दिखाया गया, चंद्रयान हमारे दुर्गा माँ के जस्ट महल के ऊपर उनको विराजमान दिया गया है, कि हम दोनों जो है एक ही स्वरूप इनको देखे, जो ऊपर है वही नीचे है, जो हम हिंदू है वही मुस्लिम है, वही सिख वही ईसाई है, ना कोई भेदभाव है, ना ऐसा कुछ रीजन है, सब मिल करके रहना। आइए एक और व्यक्ति से हम पूछ लेते हैं, मेरे साथ निशान जी हैं, क्या कहेंगे इस उपलब्धि पर? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतवर्ष के लिए। जैसे आप ढांचा देख रहे हैं चंद्रयान 3 का, तो आपको बता दूं कि 23 अगस्त को इसका सफल परीक्षण हुआ था, और भारत जिस तरीके से विधिवत रूप से अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है इन क्षेत्र में, चाहे वो साइंस एंड टेक हो, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। और जैसे अभी आपको बता दूं, रिसेंटली 2-3 दिन पहले गगनयान 3 भी लॉन्च हुआ है, तो भारत के लिए काफ़ी सुख समृद्धि की बात है कि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम में काफ़ी ऊपर जा रहे हैं, और इसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। और जिस तरीके से भारत का पॉपुलेशन अब जनसंख्या देख रहे हैं, वो अभी चाइना को भी पीछे छोड़ चुकी है, 144.00 करोड़ है, तो अप्रोक्स आप 145 करोड़ मान सकते हैं। उस गतिविधियों को देखते हुए भारत अगर इस चीज़ों को इतने ऊपर लेवल तक लेके जा रही है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि आने वाले समय में, पहले क्या था कि चांद पे लोग झंडे गाड़ते थे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले एक फोटो शूटिंग होता था कि चलो मैंने चांद पे झंडे गाड़ दिया, अब रियलिटी में उस चीज़ को हम लोग जग जाहिर कर रहे हैं। तो काफ़ी प्राउड मोमेंट है भारतवर्ष के लिए, और इसके लिए सबसे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। काफ़ी चीज़ें हैं इसके प्रति, जैसे सुशांत सिंह राजपूत जो बिहार के अभिनायक रह चुके हैं, जो अभी स्मृति शेष हैं काफ़ी, और सबसे जो मूल रूप से जो कांग्रेट्स या धन्यवाद ज्ञापन होना चाहिए वो इसरो को होना चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कि इन चीज़ों को उन्होंने प्रेरणा स्रोत बनाया है, और आने वाले बच्चे और आने वाले समय के लिए काफ़ी उपलब्धि भरी चीज़ है। धन्यवाद। बाकी आकर्षण का केंद्र बना ये कुर्सा कांटा का चंद्रयान 3 का ढांचा के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को देखने के लिए तमाम दोस्तों और भाइयों का बहुत बहुत आभार।